इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है विधानसभा झबरेड़ा के थीत की कवारपुर गांव से, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष मोर ध्वज ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उत्तराखंड सीटों पर चुनाव लड़ेगी और डोर टू डोर जाकर जनता को समझाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है इस बार परिवर्तन, इसलिए सभी किसानों ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट जहां भी खड़ा होगा उसको जिताकर भेजेंगे। विधानसभा गांव के लोगों का कहना है कि इस बार किसान राष्ट्रीय लोकदल को ही सपोर्ट करेगा, अन्य किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। बैठक में उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष मोर ध्वज, नितिन कुमार, कुलदीप प्रधान, मोंटी सालार, जयवीर सिंह, मोहित बंटी, राजपाल सिंह, जय कुमार, धर्मपाल, सतवीर, प्रवीण, राजकुमार, अजय, टीनू, उपेंद्र सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस पूरी खबर को अपने कैमरे में कैद किया श्याम सुंदर के साथ सोमवीर सैनी ने। बारे में अपनी गांव दर गांव मीटिंग कर रहे हैं, इसमें अपने लोगों को सबको समझा रही भाई इकट्ठे होगो, इस बीजेपी के खिलाफ वोट देनी, अपने लोकदल को मजबूत करना। ये लोकदल पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका सम्मेलन, उनको बढ़ाने के लिए और किसानों की जरूरत को उठाने के लिए पार्टी का आज का ये कार्यक्रम है कि जो लोकदल के लिए यहाँ गांव में एक नुक्कड़ सभा की गई है, लोकदल के पार्टी के लिए अपना भाई अधिक से अधिक लोग जुड़ो, लोकदल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, इस बारे में मीटिंग की गई। भाई टिकनी पड़ेगा तो गस्सा भी पूरा ही देगा, कमी तो छोड़ने के नहीं, कुछ भी पूरे जोर लगाऊंगे। अभी कुछ घोषणा नहीं हुई, अभी केवल जो BSP से हरिदास जी के लड़के आदित्य ब्रिजवाल जी का सुनने में आया है, अभी बाकी और किसी पार्टी का अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी तो ये जानकारी ही नहीं है कि भाई देशराज करणवाल जी का टिकट हो रहा है या किसी का हो रहा है, किसी की कोई जानकारी नहीं है। अभी तो केवल BSP के जो कैंडिडेट हैं आदित्य ब्रिजवाल जी, केवल उनकी जानकारी हुई है, बाकी किसी की कोई जानकारी नहीं है। जब तक जानकारी नहीं होगी तो उनके बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। ये मीटिंग लोकदल जो हमारा बिखरा हुआ था इसे इकट्ठा कर दोबारा से खड़े होने की मीटिंग और हम जीतने की ये अपना प्रयास करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं दे, किसानों की पार्टी लोकदल, किसानों की पार्टी लोकदल हमेशा रही है और रहेगी, बाकी पार्टी किसानों के हित में कोई नहीं सोचती। ये जबरेड़ा विधानसभा मोहित की कोयतपुर में आज मीटिंग रखी गई, चौधरी कुलदीप सिंह जो हमारे प्रधान जी होली अब तो पूर्व हो गए, इनके निवास पर मीटिंग रखी गई या केवल लोकदल कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए मीटिंग रखी गई। हम हर जगह हर गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं अपनी, उन नुक्कड़ सभाओं में हम जहां भी जा रहे हैं केवल लोकदल को संगठित करके भाजपा सरकार को कड़ी टक्कर देने के इरादे से लड़ रहे हैं। हर जगह प्रयास है हमारा कि हम भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। पूरे उत्तराखंड में घोषणा तो हमने हरिद्वार प्रेस क्लब में करी थी कि हम जो हरिद्वार में, इसमें हरिद्वार की तो 11 सीटें हमारी, बाकी उधम सिंह नगर, देहरादून, उसके बावजूद पहाड़ों में जहाँ भी हमारे अनुयायी है चौधरी चरण सिंह के, हम वहाँ भी लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तीन जिले हमारे मेन फोकस रहेंगे, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। मंगलौर विधानसभा और जबरेड़ा विधानसभा, इसमें 5-7 गांव बच रहे हैं, अन्य लगभग हम किसान बिरादरी में सब जगह घूम चुके, डोर टू डोर हम अपना काम कर रहे हैं। हम प्रदर्शन नहीं कर रहे भाजपा की तरह, ना हमारे वो किराए की भीड़ कांग्रेस या आम आदमी की तरह, हमारे साइलेंट किसान एक दूसरे रोज मिले, कोई गन्ना गेरते मिल रहा है, कोई खेत में मिल रहा है, हम तो एक, अरे एक थैली का तो होते चट्टे बट्टे, एक थैली गई तो आटा दोनों को, दोनों कांग्रेस को दे ले, लोकदल को दे ले, भाजपा को दे ले, क्या दिया? आतंकवादी हम, उग्रवादी हम, आंदोलनजीवी हम, पाकिस्तानी हम, और हमें कितने नाम दे गया भाजपा? कांग्रेस कौन सा इससे पीछे रहे? कांग्रेस ने 60 साल में क्या करा देश में? कांग्रेस ने क्या दिया किसान को बताओ? हम क्यों लिए ना लेते हैं? सरकार जा रही नहीं उत्तर प्रदेश में, आते नहीं है दोबारा, इन्होंने ऐसा काम कर दिया दोबारा नहीं आने का बुलेट कहे। ये तीन कानून जो वापस हुए ये इलेक्शन के डर से हुए इनके, हार रही भाजपा। लोकदल उत्तर प्रदेश में पूरे जोरों शोर से चुनाव लड़ रहा, उत्तराखंड के इन तीन जिलों में धूम धड़ाके से लड़ेगा, पहाड़ों में देखी जाएगी, पूरी जान लगाकर इलेक्शन लड़ेंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे हर जगह। अरे नहीं, लड़ने वाले बहुत हैं यार, लाइन लग रही,
हम तो अभी नाम नहीं खोलना चाह रहे, हम तो सबके पत्ते देख रहे कौन क्या खोल लगा। हम जो दिसंबर के लास्ट में अपने पत्ते खोल लेंगे यहाँ से। कैंडिडेट की कमी नहीं है। किसान जो हो वो किसी भी बिरादरी का हो, वो भाजपा कांग्रेस सबके खिलाफ हो, वो ये कह रहा हम किसान के लारा जयंत चौधरी के लारा चलना। हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है, पहले भी किसान एक रहा, चौधरी चरण सिंह के समय में अजीत सिंह के में भी रहा। अब भाजपा ने एक हमारे अंदर जो हिंदू और मुसलमान करके इस किसान बिरादरी को फाड़ने का काम करा है। लेकिन इस बार जो हम सब इकट्ठे हैं, सामूहिक इकट्ठे होकर और भाजपा को और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देगा लोकदल। नहीं, इस बार जो हो राष्ट्रीय लोकदल ने निर्णय करा उत्तराखंड को, जोन सी भी सीट होगी हम उसको वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि उतारेंगे, ताकि कल जनता ये ना कहे बाहर का हम मिलने का नहीं, ये नहीं होने का। जो भी होगा स्थानीय होगा, जनता की सेवा करने वाला होगा।